बोल देंगे बेटा आज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशिर है और इसका नाम ये खुद ही बता देगा। मेरा नाम उमर ब्लॉगर है। और उमर ब्लॉगर, ये नाम देखिए आप। असल में मेरा नाम उमर भट्ट है, लेकिन मेरा चैनल है यूट्यूब पे उमर ब्लॉगर, तो मैं अपना नाम वहां पे जाए और इसके सब लोग सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसने ये तो कुछ नहीं करता, जैसे बैठ के जो यहाँ पे जुगत मारता है, सस्ती जुगत मारता है। मैंने क्या किया, ये देखें यहाँ पे ना, मैंने एडवर्टाइजमेंट पे वो नहीं लिखते, तो वो मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए जो ना यहाँ लिख दिया, तो जिस ब्रांड को भी एडवर्टाइजमेंट करवानी है तो हम यहाँ पे उसका बैनर लगा देंगे। अरे ये क्या लिखा है भाई, टॉयलेट सस्ती जगह पे बंदा मुझे बोल रहा है और इसकी हालत आप चेक करें। अब ठीक हो गया, वैसलीन और तिब्बत का जो है हमने कंपैरिजन किया और उसका रिव्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा ये है जी वैसलीन। वैसलीन कहाँ की है? वैसलीन है अमेरिकन ब्रांड है, यूनिलीवर की, ठीक है। ये जो है 100 ml है और ये कितने की पड़ी है भाई? ये 175 मिलती है। हाँ 175-180 रुपए की। अच्छा अब ये तिब्बत है, तिब्बत कहाँ की भाई? तिब्बत जो है वो ये देख लो, मैं बता ये देख लो, पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड की है। है तो स्विट्जरलैंड पाकिस्तान का सवाल, ठीक है। ये तिब्बत कोल्ड क्रीम जो है और ये कितने की है? ये है 40 ml है और ये कितने की पड़ी आपको? 80 रुपए की। सारी इसने खरीदी है, ठीक है। अब हम जो है ना इसका खुशबू की बता दें भाई, ये वैसलीन में ना सुन ना, इसकी तो कोई इतनी खास खुशबू अजीब सी आती है, बल्कि बहुत अजीब सी। अच्छा तिब्बत की ना खुशबू बहुत अच्छी है, अच्छी तेज है थोड़ी सा ना, लेकिन ये के हाँ, अच्छा तिब्बत जो है ना वो असल में ज्यादातर जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना लोग, वो जो मतलब पहले जमाने के मतलब जो थोड़े मतलब कह रहे हैं 45+ वाले लोग है ना, वो तिब्बत अभी भी इस्तेमाल करते हैं और गांव वगैरह में भी बहुत इस्तेमाल, गाँव में बहुत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा न्यू जनरेशन जो है ना वो ना तिब्बत यूज करती है, वैसे बहुत कम यूज करती है और ज्यादातर जो लोशन वगैरह यूज कर रही है। अब हम इस पर ट्राई करते हैं भाई, खूबसूरत और दो ना लगा दे दो, मैं हाथ से लगा दूंगा भाई, तुम अपने हाथों में लगा लो, देखो मैं खुद से लगा लेता हूँ अभी ऐसे फोटो में, जैसे यार दिल नहीं कर रहा लगाने का सच्ची में, मैं नहीं लगाता ये वैसलीन लगा रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं लगा रहा हूँ। इसको लगा के ना अजीब तक चिपचिपा सा हो जाता है, ये तो क्या मतलब है लेकिन ये है कि थोड़ी देर बाद जो है ना ये आपके जिस तरह अगर आप पता है इसको पैरों में लगाएं और मोजे पहन लें इतना बेहतरीन हो जाता है गर्मियों में, आपको क्या बताऊं, बहुत ही जबरदस्त, मतलब कोई ठंडा मौसम कुछ भी हो, कोई भी हो, बाहर जा रहे हैं घर के ऊपर है, लेकिन ये तो अमेरिकन कंपनी है भाई, हम तो तिब्बत जो पाकिस्तानी कंपनी है तो लगाओ ना, क्यों नहीं लगाते इसको, तुम तिब्बत लगाते हो इसको, हम ट्राई करते हैं। अच्छा तुम तिब्बत लगाइए, तुमने कभी लाइफ में? यार तुम्हें लगाएंगे, इतनी लगाएंगे तुम याद करोगे, पाकिस्तान करने वाले क्या करो, क्या हो गया, हाँ खिला रहे हो गया, क्रीम है क्या खिला रहे हो? नहीं भाई ये लो, ये लो, मैं लगा लेता हूँ थोड़ी, तुम ले लो कोई ऐसा मसला नहीं है। अरे ये देखें इसका लेवल, ये देखें ये मैंने लगा ली है, ये देखें पूरा हाथ सफेद कर दिया इसने, इसकी खुशबू ना कुछ लोगों को तो पसंद आती है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं यार बहुत अजीब सी पेंडू, बोलते पेंडू खुशबू है इसकी। 80 की ये 40 ml है ना, ये 175 की 100 ml है, तो वही बात बैठ जाती है अगर आप घुमाओ ना 80-160 फंस गया मैं लगा के यार, ये क्या देना है वो डायरी देना जिसमें मैंने स्क्रिप्ट बनाई है, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है, तकरीबन सारे पॉइंट हो गए, बैनर का हो गया, सनग्लासेस का हो गया, खुशबू हो गई, पुराने लोग यूज करते हैं, मतलब ओल्ड लोग यूज करते हैं, कर लेते हैं यार ये, ऐसा नहीं मैं इसकी कोई बुराई नहीं कर रहा। अच्छा खैर ये वो पैसे प्राइस हो गए, तिब्बत फॉर ड्राई स्किन हो गई, वैसलीन फॉर रफ स्किन हो गई, ठीक हो गया, बस इतना ही कमाए और क्या बताएं इसके अंदर मतलब क्या है, खुद लगा लो। और तुम तो क्रिकेट भी खेलते रहे, तो प्लेयर्स भी क्या ये सर्दियों में क्रीम वगैरह लगाते हैं, क्या होता है ये बताओ यार? हाँ क्रीम लगाते हैं लोग सर्दियों में, अच्छा वो तो अलग सीन हो जाता है, लोग जो है ना क्रिकेटर्स क्या करते हैं खासतौर पर फास्ट बॉलर, वो वैसलीन लगाते हैं, उससे ये होता है फिर वो वैसलीन ना ऐसे ऐसे कर करके बॉल पे ना लगाते रहते हैं और वो शाइन करते रहते हैं, तो ये एक तरह चीटिंग तो नहीं है, लेकिन सभी कर रहे हैं, मतलब इसको चीटिंग में नहीं कहते, लेकिन समझो एक हैक है, क्रिकेटर्स की हैक है ये, मैंने ठीक है यार दिमाग जरा म्यूट करना। अच्छा तिब्बत का एक और चीज, अबे ये स्टूडियो है क्या है भाई, तुम्हें भी सुनाता हूँ स्टोरी, तुम हैरान हो जाओगे। सुनो हमारे एक जानने वाले हैं, उनके बेटे छोटा सा था, उस वक्त काफी पुरानी बात हो गई, उसके गले में हो गई खांसी सूखी वाली, जो मुझे हुई थी। हाँ तो वो जमाने में सऊदी अरब में रहते थे, तो उनके पड़ोसी थे सऊदी खातून, वो आई उन्होंने चम्मच से एक निकाला वैसलीन और उसको खिला दी। What? और वो बच्चे की जो वालिदा थी भाई उनकी तो हालत खराब हो गई, ये क्या कर दिया, तो उससे बोला भाई ये तो बड़ी कॉमन चीज है और सूखी उसके ऊपर, अच्छा उसके बाद वो सेट भी हो गया काफी हद तक लालम, लेकिन मैं खैर ये नहीं बोलूंगा कोई है, किसी को सूखी खांसी हो रही है तो वो ये वाला नहीं, 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 नीचे लिख देना डोंट डू इट, बड़ा ये नहीं यार मतलब क्या वैसलीन मतलब
मतलब एक चम्मच निकाल के ऐसे ये तो वैसलीन वालों ने भी कहीं पे नहीं लिखा, मतलब ये अजीब टोटका है। हाँ यार कुछ टोटके होते हैं तो मैं पता है तो चल भी जाते हैं, उनके उनके बेटे को चल भी गया लेकिन उन्होंने फिर ट्राई नहीं किया इसके बाद। नहीं लेकिन उनको साइड इफेक्ट नहीं पता होंगे ना। आप लोग भी कमेंट्स में अपने इतने सब फीडबैक दीजिए, जिस हवाले से भी देना दीजिए, जो लिखना है लिखिए। अचार के बारे में हम लोग कर दें, मेरिट्स के बारे में कर दें, हम लोग अमेरिका जाके कर दें, जो बोलना है बोल लें भाई। हम भी कोशिश करेंगे किसी भी चीज़ का रिव्यू करने का, इंशाल्लाह ताला चैनल को ग्रो करेंगे आप लोग की दुआओं से, अल्लाह ताला की रहमत से। और अभी लंबी कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।